कि टू जैसे कि फिगर में दिखाया चित्र में दिखाया गया है ग्रीन कलर की होती है एंड किट टू वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए होती है. मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द वेजाइनल डिस्चार्ज आर वेजाइनाइटिस एंड सेकेंड इज सर्विसाइटिस. वेजाइनाइटिस के मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी कौन कौन से हो सकते हैं? ट्राइकोमोनस वेजाइनाइटिस वेजाइनेलिस हो सकता है, कैंडिडा हो सकता है एंड बैक्टीरियल वेजिनोसिस. दीज आर द मोस्ट कॉमन वन. एंड सर्विसाइटिस के लिए जैसा कि मैंने पिछले यूरेथ्रल डिस्चार्ज में बताया कि मोस्ट कॉमन कॉजेज इज गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया आर द कॉमन कॉजेज ऑफ द सर्विसाइटिस. इसके अलावा हर्पीस कैन ऑल्सो बी अ कॉज. एंड द ट्रीटमेंट इंक्लूडेड इन द वेजाइनल डिस्चार्ज हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? फॉर द फीमेल देयर शुड बी पेरिस्पेकुलम एग्जामिनेशन टू डिफरेंशिएट वेदर इट इज़ वेजाइनाइटिस और सर्विसाइटिस. वेजाइनाइटिस है तो वही तीन इटियोलॉजी हुई, ट्राइकोमोनस कैंडिडा और बैक्टीरियल वेजिनोसिस. मिक्स्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है कि सारे टाइप के इन्फेक्शन हो. एंड सर्विसाइटिस में टू रूल आउट द पेरिस्पेकुलम एग्जामिनेशन टू सी द सर्वाइकल इरोजन, सर्वाइकल अल्सर, सर्वाइकल डिस्चार्ज. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू पेरिस्पेकुलम एग्जामिनेशन. प्रेगनेंसी ऑल्सो रूल्ड आउट बाई द पेरिस्पेकुलम एग्जामिनेशन, अनदर एडवांटेज. एंड हिस्ट्री ऑफ द जेनाइटल इचिंग इज ऑल्सो टेकन, वेदर देर इज बर्निंग एक्सुरेशन, यूरिन पास करने में जलन होना, ये भी पूछना है. एंड अमाउंट, स्मेल एंड कलर ऑल्सो डिस्चार्ज टू बी आस्ड अबाउट बिकॉज द डिस्चार्ज इन द केसेज ऑफ ट्राइकोमोनालियासिस इज ग्रीन एंड फ्रोदी, इन द केसेज ऑफ कैंडिडियासिस इज कर्डी वाइट डिस्चार्ज, इन द केसेज ऑफ द बैक्टीरियल वेजिनोसिस द एडरेंट डिस्चार्ज इज देयर. सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्चार्ज अ मिक्स टाइप ऑफ डिस्चार्ज एंड कैन नॉट बी इंटरप्रिटेड इन द मिक्स्ड इन्फेक्शन. सो डिस्चार्ज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेट कि विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज देयर. और ट्रीटमेंट क्या यूज़ किया जाता है किट टू में जैसा कि मैंने बताया कलर ग्रीन कलर का है तो दवाइयाँ जो होती हैं वो सेक्नेडाजोल होती है सिंगल डोज 2 ग्राम एंड द फ्लूकोनाजोल 150 mg सिंगल डोज. दिस इज द ट्रीटमेंट डन इन दिस इन द किट टू. एंड टू प्रिवेंट द गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस ड्यू टू सेक्नेडाजोल मेटाक्लोरप्रोमाइड कैन बी टेकन 30 मिनट बिफोर द सेक्नेडाजोल इनटेक. सेक्नेडाजोल को लेने से पहले मेटाक्लोरप्रोमाइड कंज्यूम कर सकते हैं सो दैट देर इज नो गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस. इन द केसेस इफ द डिस्चार्ज सर्विसाइटिस है और सर्वाइकल डिस्चार्ज है तो एज ऑफ इन किट वन जो कि एजिथ्रोमाइसिन और सिफिक्सिम में यूज किया जाता है तो वो देंगे. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इफ प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वी कैन यूज लोकल क्लोट्रिमाजोल पेसिरीज 500 mg अलॉन्ग विद द दीज ड्रग्स. द क्लोट्रिमाजोल पेसिरीज फॉर द कैंडिडियासिस कैन बी यूज and the oral fluconazole as contraindicated in the pregnancy should not be used. So local pessaries use karna hai rather than oral intake of the fluconazole. And second thing to be kept in mind, metronidazole can be utilized in pregnancy for the trichomoniasis. And second or third trimester may be secnidazole and tinidazole and metachlorpromide before consuming the metronidazole to prevent the gastric intolerance. It can be used in the pregnancy. And also there should be management of the partner should also be examined for the any discharge. Partner mein to infection nahi hai. If there is an infection in the partner also, so he should also be treated accordingly. And there should be sexual abstinence during the treatment, should not be undergo the sexual intercourse. And second thing, ask the patient to come for the follow-up after 7 to 14 days. If the check the compliances whether the symptoms are resolved or not. Agar resolved ho jate hai to continue and usko sexual abstinent education and condoms vagera dete hain. And if treatment discharge persisted despite of all the treatment वेजिनाइटिस और सर्विसाइटिस के देन वी शुड रिफर द पेशेंट टू द एज पर द स्पेसिफिक ट्रेडिशनल मोड ऑफ द ट्रीटमेंट एज टू बी डन बाई द लैब डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट.